इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू। 10 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहेंगे मौजूद। एमपी शिक्षा परिषद के समापन समारोह में सीएम होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज, बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरा है आज उनका और 10 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है और लगातार हम देखते जा रहे हैं कि काफी एक्टिवली मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग शहरों में दौरे पर रहते हैं। देखिए श्रीता, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उपचुनाव के बाद में गोरखपुर अनुग्रह जनपद में अपने 2 दिवसीय दौरा है। साफ तौर पे अगर बात कर ले तो जहाँ से सांसद हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर आज का जो कार्यक्रम है वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पहुँचना था और वहाँ पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का आज समापन समारोह है। ये कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष वहाँ पे ओम बिरला जी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में है और इस कार्यक्रम को और भी खास इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संरक्षक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लगातार अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सहित तमाम ऐसी जगह है जो क्या नाम है कि जहाँ पे वो संरक्षक है, चाहे हिंदू पार्टी की बात कर लें या विश्व हिंदू परिषद की बात कर लें, इन सब जगहों पर मुख्यमंत्री स्वयं संरक्षक के रूप में रहते हैं और आज का जो कार्यक्रम है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का वहाँ भी संरक्षक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और मुख्य रूप से वहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। जी शशांक, यहाँ पर एक बात और भी देखी जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हर वर्ग को बराबर समय देते हैं, चाहे बात किसान वर्ग की हो, चाहे मजदूरों की हो, या चाहे सामान्य लोग की हो, चाहे स्टूडेंट्स की हो, देखा जाता है कि हर वर्ग को खुद मुख्यमंत्री जाके उनसे मिलते हैं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विषय में अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, नौजवान, किसान और मुसलमान, जात पात से परे होकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में वापसी की थी। सत्ता में दोबारा वापसी करने का यही कारण है कि चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मानता है, चाहता है और क्योंकि उनकी कार्यशैली ऐसी है मुख्यमंत्री जी की कि समाज का कोई भी तबका हो, कोई भी वर्ग हो, वो उनसे अछूता नहीं है। तो साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा, सभी वर्ग के कार्यक्रम में वो जाते हैं, सभी उनको मानते हैं। शायद इसी का परिणाम यह है कि 2017 के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार में फिर से उनकी वापसी हुई है और आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का ही दबदबा कायम रहेगा। अश्विनी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से दी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज से शुरू हो चुका है।